बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, इस देश में जो चल रहा है विपक्ष के पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती झूठे केस लगाकर दबाव बनाकर एजेंसीज का दुरुपयोग कर उनको घेरने की कोशिश की जाती है, उनका चरित्र हनन किया जाता है। और जो चंडीगढ़ में हुआ, जो वैलिड वोट्स को निर्वाचन अधिकारी खुद खराब कर रहे हैं और फिर बहुमत के बावजूद भी भाजपा वहाँ जीत जाती है, जिस तरह विपक्ष के नेताओं का दबाव बनाकर अपने साथ जोड़ा जाता है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, नेताओं को इनकम टैक्स CBI ED के शिकंजे में फंसाने की कोशिश की जाती है, और जो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम झारखंड का हुआ वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकारें आई हैं चली जाएंगी, पार्टियां बनती बिगड़ जाती हैं, लेकिन देश के 70 साल में जिन संस्थाओं को पोषित कर इतना बेहतर बनाया गया, उन सबको खोखला अगर हम लोग कर देंगे और इस तरह ओपन मिसयूज होगा, हर जगह इंटरफेयर होगा, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उन पे हो, तो ये बहुत गलत संकेत है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 95% जो केसेस हैं, नोटिसेस हैं, रेड्स मारी की जाती हैं, वो 95% विपक्ष के नेताओं पर की जाती है, तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। इसलिए देश भी इस पूरे मामले को देख रहा है और जिस प्रकार से राजनीति हो जा रही है, दबाव की राजनीति, आक्रमण की राजनीति, टकराव की राजनीति, ये एक गलत संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए। सर, भजनलाल शर्मा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाया, पर्ची सरकार, उन्होंने कहा धरती सरकार है, धरती पुत्रों की सरकार है। सर, इतनी अगर धरती पुत्र सरकार थी तो चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई थी, अपने उम्मीदवार को मंत्री बना दिया और उपचुनाव में हमारा उम्मीदवार जीत कर गया। अगर इतना बहुमत जनता साथ थी तो उपचुनाव में ज़्यादातर रूलिंग पार्टी जीतती है। और जिस आचार संहिता में आप एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप वहाँ पे अपने उम्मीदवार को मंत्री बना दें, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, ये संकेत देता है कि जनता को आप ये मत समझिए कि सारा वोट हमारी जेब में है। भाषण देना अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि हमने अच्छा चुनाव लड़ा था, हम 70 विधायक जीत कर आए हैं, तो अपना ही गुणगान करना वो अलग बात है। लेकिन जो अभी कन्फ्यूजन चल रहा है सरकार के अंदर, 1.5 महीना हुआ नहीं है, पहले तो मुख्यमंत्री बनने में समय लगा, फिर मंत्री बनने में समय लगा, फिर डिपार्टमेंट बांटने में समय बना, और आज भी अधिकांश जो फ्रंट बेंच है सत्ताधारी दल की वो रूठी हुई है। AG AG तक नियुक्ति छोड़ दीजिए, जो कन्फ्यूजन चल रहा है, जो दिशाहीन कर रहे हैं, और लोकसभा से ठीक पहले आप आनन फानन में MOU साइन कर दें, MOU पे चर्चा सदन में हो रही है लेकिन MOU रखा नहीं गया, आप चर्चा डॉक्यूमेंट पे करना चाह रहे हैं जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। आपने ERC पे जो स्टेटमेंट आए, आप, मैं भाजपा के नेताओं को आवेदन करना चाहता हूँ कि आपने चुनाव से पहले जो भाषण दिए थे, कितना पानी आपने राजस्थान के लिए मांगा था जब हमारी सरकार थी, और जब आप MOU साइन कर रहे हैं अब आपने कितना कमिटमेंट किया है। तो सिंचाई हो, इंडस्ट्री का हो, पीने का पानी हो, हर जगह राजस्थान का हक अगर मारा जाएगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रगति हो, विकास हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आप सिर्फ चुनाव से पहले जल्दबाजी में MOU कर दें और दिखाने के लिए, अपना वाहवाही लूटने के लिए घोषणा करें, वो बिल्कुल उचित नहीं है। राजस्थान के लोगों के हितों के साथ आप कुठाराघात नहीं कर सकते हैं, ये बात स्पष्ट है। और भाजपा की सरकार अगर समझती है कि वो इस चुनाव से पहले सब वाहवाही लूटने के लिए काम कर लेगी और लोगों का हित ध्यान नहीं रखेगी, तो गलत कर रही है, उसका विरोध हम लोग करेंगे। सर, आखिरी सवाल है, राज्यसभा की भी इलेक्शन को लेकर नोटिफिकेशन आ गया, तो कांग्रेस में कौन राजस्थान में कब तक उम्मीदवार जो है वो एक सीट लगभग माना जा रहा है कांग्रेस? समय चलते ही पता पड़ जाएगा आपको, और मुझे लगता है जो जो भी व्यक्ति को पार्टी मौका देगी वो राजस्थान के हितों की रक्षा करेगा।